हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन हिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th हिस्ट्री में चैप्टर रीड कर रहे हैं, चैप्टर 8 कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। इसमें मैंने आपको तीनों कल्चर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि किस प्रकार से एजटेक लोग रहते थे, किस प्रकार से इंका और माया के जो कल्चर्स के लोग थे कम्युनिटी में रहते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूरोप से किस प्रकार से जो पावर्स थी वो आ रही थी इन एरियाज में, इनके ऊपर कैप्चर करने के लिए बहुत सारे कॉजेस थे, उसके बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण वो लोग यहाँ पे आके और इन स्थानों पर कैप्चर करना चाहते थे। लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। स्पेनिश एंड पोर्तुगीज फाउंडेड वॉयरीज। उसके बाद जो स्पेन के लोग थे और पुर्तगाल के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समुद्री यात्राएं शुरू कर दी। समुद्री यात्राएं शुरू करने के भी बहुत सारे कारण थे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीजन था इनका, ए पैशन फॉर गोल्ड एंड ट्रेजर। एक तो ये धन लूटना चाहते थे, दूसरा गोल्ड और सिल्वर दोनों की खोज के लिए इन्होंने यूरोप को छोड़ के साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की तरफ अपनी जो एक्सपेंडेंस जो यात्राएं थी वो शुरू करती थी। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ गोल्ड सिल्वर फ्रॉम मेकिंग द यूरोपियन कॉइन्स। दूसरा क्या हुआ कि यूरोप में उस टाइम पीरियड के दौरान सिल्वर और गोल्ड की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जिनके ऊपर जिनसे ये कॉइन्स बनाते थे, अपने सिक्के बनाते थे। तो इसके लिए इन्होंने खोज करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके पहले इससे पहले भी जो भी यात्राएं की थी उसमें इन्होंने फाइंड आउट कर लिया था वहां पे कि बहुत सारा गोल्ड वहां पे मिल रहा है। उसके बाद पोर्टुगीज गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन इन 1139 से पहले जो स्पेन था उसने कैप्चर किया हुआ था पोर्टुगीज के ऊपर। पुर्तगाल जो कंट्री था उसको इंडिपेंडेंस मिली 1139 में स्पेन से। और उसके बाद पुर्तगाल ने क्या शुरू किया कि उन्होंने भी इनके साथ साथ इसी प्रकार की जो यात्राएं थी वो शुरू कर दी थी। साथ में प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगीज नेविगेटर, जो पुर्तगाल के जो प्रिंस थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने क्या किया, उनको नाम किस नाम से जाना जाता था, द नेविगेटर, नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, जो कि खोजी यात्राओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते थे और उनको बहुत ज्यादा जो समुद्री यात्राएं हैं वो भी बहुत ज्यादा करना पसंद करते थे, इसलिए उनको जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था द नेविगेटर। उसके बाद आता है कि जो स्पेन था, द मेमोरी ऑफ क्रूजेस एंड द रिकॉन्क्वेस्टा गेव राइज टू कॉन्टेक्ट्स नोन एज कैपिटुलेशंस। इसका मतलब है कि जो स्पेन था उन्होंने भी इसी प्रकार की यात्राएं शुरू की। कब उनके मन में ये सारी चीजें आई, जब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था क्रूसेड्स के बारे में, धर्म युद्धों के बारे में जो मुस्लिम और ईसाई क्रिश्चियंस लोगों के बीच में हुए थे। तो उन क्रूसेड्स के अंदर, धर्म युद्धों के अंदर जब विजय मिलनी शुरू हो गई थी यूरोप को, तो उससे क्या हुआ कि इनको ज्यादा प्रोत्साहन मिला इस चीज से और उन्होंने क्या किया, साथ में राइज टू कॉन्टेक्ट्स नोन एज कैपिटुलेशंस। और इन्होंने क्या किया कि उन धर्म युद्धों के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होकर इन्होंने इकरारनामे करने स्टार्ट कर दिए। इट मीन्स कैपिटुलेशंस मीन्स इकरारनामे। किनके साथ? अपने जो साहसिक जो नाविक थे उनके साथ कि आप लोग वहां पे जाइए, उन स्थानों को फाइंड आउट कीजिए और साथ में आप अगर उनको जीत लेते हैं, वहां पे अपना रूल स्थापित कर लेते हैं, तो आपको हम यहाँ पर आकर टाइटल देंगे, साथ में आपको उनका शासन भी दे देंगे। तो इस प्रकार से जो स्पेन था, पुर्तगाल था, उन्होंने इस प्रकार के क्रांतियों में अपने जो कह सकते हैं कि जो खोजी यात्री थे उनके साथ किए। तो इससे क्या हुआ, प्रोत्साहन होकर ज्यादा पैसों के लालच में या फिर और भी बहुत सारे रीजन थे, वो सारे के सारे जितने भी मतलब कि नेविगेटर थे वो सारे के सारे क्या हुआ कि यात्राओं के लिए चल निकले। अब उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट बिटवीन स्पेनिश रूलर लीडर्स ऑफ एक्सपेडिशन, यानी कि जो खोजी यात्री थे और जो स्पेन के जो रूलर थे उनके बीच में इस टाइप के इकरारनामे होने लग गए थे कि वो उनको पैसे देते, उनको यात्राओं पे भेजते, नए नए जो प्लेस थे उनको फाइंड आउट करवाते और वहां से किस लिए कि उनके रिसोर्सेज का वो यूज कर सके। अल्बेरियन पेनिनसुला बाय क्रिश्चियन किंग्स फ्रॉम द अरब इन 1492। जो अल्बेरियंस का जो पेनिनसुला था, क्रिश्चियंस जो लोग थे उनके राजा थे, उन्होंने अरब से वो 1492 में वापिस ले लिया था और इसी इंसिडेंट को, इसी घटना को नाम दिया था उन्होंने रिक्वेस्टा। रिक्वेस्टा मतलब पुनर्विजय, दोबारा से अपने उस स्थान को हासिल करना, रिक्वेस्टा। अटलांटिक क्रॉसिंग, अब उसके बाद स्टार्ट होते अटलांटिक ओशन की क्रॉसिंग, क्योंकि जब आप देखते हैं मैप में तो यूरोप और जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका उसके बीच में हमारा जो अटलांटिक ओशन है वो आता है,
तो उसके बाद एटलांटिक की क्रॉसिस स्टार्ट हुई। एक तो मैंने बताया था आपको कि कैंपास का इन्वेंशन हो चुका था, जिससे डायरेक्शन बहुत अच्छे से फाइंड आउट हो जाती थी और लोगों को पता चल जाता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, जिस भी डायरेक्शन में जाना हो वो कैंपास की हेल्प से पहुंच जाते थे। क्रिस्टर कोलंबस 1451 से 1506 एक इटालियन क्या थे, इटली के रहने वाले थे, और 1492 में 1492 में ये कहां पे पहुंचे, लैंड्स एंड गिव द नेम द इंडीज, अमेरिका के तट पर पहुंचे और उन्होंने उस जगह को नाम दे दिया इंडीज। उसके बाद आता है ए स्मॉल नाउ, नाउ एक वर्ड आया है इसमें, जो नाउ का मीनिंग होता है वो होता है हैवी शिप, जिसको कोलंबस लेकर चले थे और जिसका नेम था नाउ, कॉल्ड सांता मारिया, और उसको नाम क्या दिया गया था उन्होंने, सांता और मारिया। साथ में इनके टू क्रेवल्स थे, क्रेवल्स क्या होते हैं, स्मॉल लाइट शिप्स होते हैं जो कि हल्के जहाज जिनको बोल सकते हैं आप, और उनके नाम थे पिंटा एंड निनो। शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार बनते हैं कि जो हैवी शिप थी उसका नाम क्या था, नाओ, और उसको क्या बोलते थे, सांता मारिया। साथ में टू क्रेवल्स कौन से थे, स्मॉल लाइट शिप, जिनको नाम दिया गया था पिंटा और निनो। अब इसमें जो कोलंबस थे नाओ में, सांता मारिया में, 40 जो उनके साथ थे जाने वाले उनको खुद लेके चले थे, साथ में दो छोटी शिप और थी इनके साथ जिनके नेम थे पिंटा और निनो। अब कोलंबस वांटेड स्पेनिश फ्लैग इन गुआहानी, अब कोलंबस वहां पे पहुंच गए, कोस्ट पे पहुंचे, और इन्होंने गुआनाहानी में जो स्पेनिश फ्लैग था उसको फहरा दिया। फ्लैग फहराने का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे शासन करेंगे, आपका वहां पे कैप्चर हो गया है। साथ में अब बात आती है अमेरिका की, अमेरिका जो नाम दिया गया था अमेरिको वेस्पुगी, न्यू वर्ल्ड 1507 में इन्होंने अमेरिका के तट पर जब पहुंचे अमेरिको वेस्पुगी, तो इन्होंने इसको नाम दिया था न्यू वर्ल्ड का, एक नए संसार का नाम दिया था। अब उसके बाद स्पेन, स्पेनिश कंक्वेस्ट बेस्ड ऑन गन पावर, गोल्ड सिल्वर फोर्स, अब जो स्पेन के लोग थे उन्होंने वहां पर जाकर उन एरियाज में जाकर किस प्रकार से उन्होंने उनको कैप्चर किया, और इन्होंने क्या किया था कि जो सारी की सारी पावर थी वो गन पावर के रूप में, यानी कि कह सकते हैं कि बंदूकों के बल पर इन्होंने वहां पे विजय प्राप्त की थी, या वहां पे इन्होंने जब शासन शुरू किया तो वो गन पावर के बेस पे किया था। अब उसके बाद साथ में इन्होंने वहां से गोल्ड सिल्वर सारी की सारी चीजें इन्होंने वहां से लेनी शुरू कर दी थी अपनी गन पावर के ऊपर। देखो पुर्तगीज जा रहे हैं और साथ में स्पेन जा रहा है, पुर्तगीज लोग क्या कर रहे हैं, वो वहां पे जाकर जो कम्युनिटीज थी उनके साथ आराम से पहले वहां पे रहना, स्टेब्लिश होना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं। साथ में जो स्पेन के लोग हैं वो डायरेक्टली जा रहे हैं और डायरेक्टली जाकर क्या कर रहे हैं, वो गन पावर के बेस पे वहां पे अपने रूल स्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद आता है पिजारो, पिजारो क्या था, एक स्पेनिश कंक्वेटर था, इंका एम्पायर के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था इंका साम्राज्य बताया था उसके ऊपर, इंका एम्पायर के ऊपर जीत प्राप्त करने वाले कौन थे, पिजारो। पिजारो कौन थे, एक जो स्पेनिश विजेता जिसको बोल सकते हैं, स्पेन के रहने वाले थे। इन 1532 सिक्योर्ड हिज थ्रोन इन इंका, और इन्होंने क्या किया कि इंका के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। साथ में नेम ऑफ द एक्सप्लोरर कॉलोनीज इन अमेरिका कोलंबस स्पेन, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कौन कौन सी कॉलोनीज अमेरिका में इन्होंने कैप्चर की और कौन सी पावर ने की थी, यानी कि यूरोप से आने वाली कौन सी पावर थी जिन्होंने अमेरिका में आकर कौन सी कल्चर के ऊपर, कौन सी कम्युनिटी के ऊपर अपनी पावर स्टैब्लिश की थी। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है आपका कोलंबस का, कोलंबस कहां के थे, स्पेन के थे, और इन्होंने बामास, ग्रेटर एंटलीज, डेमियोन और रिपब्लिक साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे पार्ट थे जो इन्होंने कैप्चर किए थे। दूसरा नाम आता है हेरन कोर्ट्स का, ये भी स्पेन के थे, और इन्होंने जो मैंने आपको बताया था मैक्सिको वाले पार्ट में जो एस्टेक लोग थे, एस्टेक उनके ऊपर कैप्चर किया था। साथ में पिजारो स्पेन के थे, और पेरू के तट के, यानी कि पेरू के कोस्ट के साथ साथ मैंने आपको बताई थी इंका एम्पायर, इंका एम्पायर के ऊपर इन्होंने अपनी पावर स्टैब्लिश की थी। अब उसके बाद आते हैं एल्वर्स कैबलर, ये पुर्तगाल के थे, और इन्होंने जो ब्राजील के जो तुपिनामा लोग थे, तुपिनामा जो कम्युनिटी थी उसके ऊपर इन्होंने अपनी पावर स्टैब्लिश की थी। तो ये सारे के सारे कौन से है, यूरोपियन पावर्स हैं जो किस प्रकार से साउथ और नॉर्थ अमेरिका में जाके इन सारे की सारी जो कल्चर्स थी इनके ऊपर अपने कैप्चर कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से स्पेन का, पुर्तगाल का पूरा कैप्चर उन्होंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो मैंने आपको तीन कम्युनिटीज बताई थी, जो तीन समुदाय कल्चर्स बताए थे, उनके ऊपर इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इसके बाद उन्होंने वहां से क्या किया, इन्होंने वहां से सोना और जो सिल्वर जिसकी खोज में ये निकले थे वो लूटना शुरू कर दिया। साथ में इसके बाद क्या स्टार्ट होता है इनके बीच में, इन्होंने वहां के लोगों को स्लेव बनाना शुरू कर दिया और इनके पूरे के पूरे जो रिसोर्सेज थे वो ये खुद ही यूज कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। साथ में ये क्या कर रहे थे, साथ में इनको वहां से इनके जो कंट्री थी वहां से सपोर्ट मिल रहा था किंग का, और यहां पे ये रूलिंग कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब इन कल्चर्स के ऊपर इन्होंने कैप्चर किया तो इन लोगों का जो जीवन था इतना ज्यादा दुखों से भर गया। हिस्ट्री में बहुत ज्यादा सोर्सेज तो नहीं मिलते हैं इनसे, जो जितने भी सोर्सेज मिले हैं वो सारे पुर्तगीज, स्पेनिश जितने भी राइटर हैं उन्हीं के बेस पे ये सारे के सारे जो हिस्ट्री की बातें हैं वो लिखी गई हैं। तो कहते हैं कि इनके ऊपर कब्जा किया। साथ में उसके बाद आता है फिर लैटिन अमेरिका, जिसको जो लैटिन अमेरिका किसको नाम दिया गया था, साउथ अमेरिका को नाम दिया गया था। इसमें स्पेनिश और पुर्तगीज जो दोनों के दोनों लोग थे उनकी जो लैटिन फैमिली लैंग्वेज थी, यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज और पुर्तगीज, ये कौन सी लैंग्वेज की फैमिली ग्रुप था, लैटिन लैंग्वेज का। इसलिए इन्होंने साउथ अमेरिका के ऊपर, क्योंकि ये दोनों ही पावर्स कैप्चर करी हुई थी, तो इसलिए क्या हुआ कि इनको इन्होंने साउथ अमेरिका को भी नाम दे दिया था लैटिन अमेरिका। 19th सेंचुरी में ये लोग इंडिपेंडेंस हुए। साथ में 1776 में सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस मिली थी नॉर्थ अमेरिका की, जो कॉलोनीज थी 13 उपनिवेश जो इन लोगों ने बसाए हुए थे उनको स्वतंत्रता मिली थी 1776 में। इसके बाद ये सबसे बड़ी कहते हैं इंडिपेंडेंस है कि 13 देश एक साथ स्वतंत्र हुए थे। और इसके बाद 19th सेंचुरी में धीरे धीरे जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया अपना कि किस प्रकार से हमारा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, और हिस्टोरियन के बीच में इस बात को लेकर डिबेट्स भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो साथ में इनको धीरे धीरे वहां से जो इंडिपेंडेंस थी वो मिलनी शुरू हो गई थी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों ही कल्चर कितनी ज्यादा डेवलप थी, वेल डेवलप थी, और साथ में अपने ओन बेनिफिट के लिए किस प्रकार से ये यूरोप के लोगों ने वहां पे जाके इनको अपनी कॉलोनीज बनाया, किस प्रकार से इनका एक्सप्लोइटेशन किया, और किस प्रकार से इनको अपने देश से सपोर्ट मिला, और साथ में कब इनको इंडिपेंडेंस मिली। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 8 कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर। इस प्रकार से इनके बीच में टकराव शुरू हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। चैप्टर कम्प्लीट रिवाइज कीजिए एंड ओके, थैंक यू स्टूडेंट।